Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study principle of utmost good faith. So let's get started. Here, if a person wants to prepare for contract, any insurance contract, then whatever the information he is having regard the subject matter of the policy, he has to disclose it to the इंश्योरेंस कंपनी. मतलब कि वो जिस मुद्दे पे जिस चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस कर रहा है उसका पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इंश्योर्ड कंपनी को पहुंचाए. ये दो तरफ से होता है, प्रॉस्पर और इंश्योरर. प्रॉस्पर की ड्यूटी होती है कि वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट जो है इंश्योरर को डिस्क्लोज कर दें. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से पहले उसका पूरा ड्यूटी है कि वो इंश्योरर को सारी डिटेल्स बताए. इंश्योरर की ड्यूटी होती है कि वो उसकी सारी जो मटेरियल्स है, फैक्ट्स है, उसको जानने की कोशिश करे. ठीक है, और यहाँ पे इंश्योरर का ये भी काम होता है कि वो सारी की सारी डिस्क्लोज कर दे मटेरियल फैक्ट्स प्रॉस्पर को, जैसे कि पॉलिसी का कंडीशन क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करना है. तो जो यहाँ पे एक दूसरे से जो खुलकर जो बातें हो रही हैं, सारी की सारी फैक्ट्स जो बताई जा रही हैं, वो बन जाता है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. जो प्रॉस्पर होता है उसको सारी की सारी बातें समझनी होती हैं, जाननी होती हैं, और वो सिर्फ उसी बात पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं जो प्रॉस्पर ने अपने फॉर्म में लिखकर इंश्योरर को दिया हो. तो उम्मीद है आपको अच्छी लगे मेरी एक्सप्लेनेशन. तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.